कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने 14 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह एमएसएमई के तहत एक एमओयू पर साइन किया, जिसमें कुल 40 उद्यमी उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे, जिसमें नामी गिरामी प्राइवेट कंपनी के नाम शामिल होंगे। वहीं आगे चंदन रामदास ने हमारे पास उद्देश्य है उत्तराखंड में पर्याप्त रोजगार, मुख्यों में छोटे फार्म, मेडिकल और अन्य छोटे इंडस्ट्रीज खेले जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। आपको बता दें कि चंदन रामदास ने महाराष्ट्र के मंत्री पाटिल से भी मुलाकात की और कहा कि उन्होंने हमें आश्वासित किया कि उत्तराखंड की जड़ी बूटियों का एक फाइनल प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे। और आगे उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में 10,000 करोड़ के निवेश होने की उम्मीद है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम उत्तराखंड में उद्योग लगाएं, लोगों को रोजगार दें, मगर इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पहाड़ों में जो उद्योग लगे इसका प्रयास करना बहुत आवश्यक था। इसी संदर्भ में वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के माध्यम से हमने पहाड़ में फार्मा मेडिकल, आयुष के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कि हम उत्तराखंड